नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। बेल बॉटम फिल्म का आठवां दिन है आज, तो आठवें दिन का प्रेडिक्शन मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले सबसे बढ़िया सवाल यह है कि आज तो प्रेडिक्शन हम दे देंगे, अच्छा खासा कलेक्शन आ जाएगा, कल से क्या होगा? कल से दोस्तों चेहरे फिल्म रिलीज हो रही है, कल से कैसे भी कैसे अगर कहा जाए तो कलेक्शन काफी कम होगा। और अगर ये कहे कि 1 करोड़ से भी कम कलेक्शन आ सकते हैं तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। बट मेरा ऐसा मानना है फ्राइडे सैटरडे संडे यानी कि आने वाले 3 दिन तक कहीं ना कहीं कलेक्शन शायद 1 करोड़ के ऊपर रहेंगे, लेकिन उसके बाद मंडे से काफी फॉल हो जाएगा। स्टिल यहाँ पे जो चीजें करेंटली नजर आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 दिन के कलेक्शन फिगर राउंड फिगर ऑफिशियल नहीं आए हैं, लेकिन अगर बात करें तो वो लगभग क्या बोलते हैं 17.5 करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं। और कल का कलेक्शन 1.40 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। जो भी होगा ऑफिशियल अपडेट नजर आ जाएंगे और जो भी होगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर मान लीजिए 17.5 करोड़ इस फिल्म ने कमाई कर ली है पहले 7 दिनों में, और ये एक्सटेंडेड वीकेंड है, वीक था क्योंकि ये थर्सडे को फिल्म रिलीज हुई थी, तो ये आज का दिन भी गुरुवार है, ये इसका 8वां दिन है, और इसका टोटल फर्स्ट वीक का जो पकड़ेंगे वो 8 दिन का पकड़ेंगे यानी कि आज का भी मिलाकर। तो आज का जो प्रेडिक्शन होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये फिल्म 1 से लेकर 1.50 करोड़ के बीच में आराम से कमा लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिल्म का कलेक्शन 18.5 करोड़ से लेकर 19 करोड़ हो जाएगा यानी कि 18.50 करोड़ to 19 करोड़ मैक्स। दिस वुड बी द फाइनल टोटल कलेक्शन ऑफ बेल बॉटम इन फर्स्ट वीक। आप सोचोगे नॉर्मली फिल्में नॉर्मल टाइम में 1 दिन में इतना कमा लेती थी, यहाँ पे पूरे हफ्ते वो भी 8 दिन लग रहे किसी भी फिल्म को 19 करोड़ कमाने में। तो फिलहाल सिचुएशन ही ऐसी है दोस्त मेरे, और अगर महाराष्ट्र सर्किट ओपन होता और ऐसे ही रिस्पॉन्स आता जैसे बाकी जगह से आ रहा है तो ये कलेक्शन हम 25, 26 या 27 करोड़ तक भी देखते होते, यानी कि इतना बड़ा नुकसान होता। जैसे कि कहते हैं कि 30% नुकसान, राइट? तो अगर 30% इससे और जोड़ लीजिए तो हमको 25-26 करोड़ तो मिलता ही ना भाई। तो ये भी आप डायनेमिक समझिए सिनेमा का, और मुंबई सागा और रूही को महाराष्ट्र सर्किट भी मिला था ये मत भूलिएगा। कई लोगों ने उसका इसका बहुत ज्यादा ही कंपैरिजन किया जिसका कोई लॉजिक या सेंस नहीं है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा इलॉजिकल लोग ट्रोलिंग करते हैं या कमेंट करते हैं या बॉक्सिस कलेक्शन की बात करते हैं, उनको से यही कहूंगा थोड़ा सेंसिबल अगर आप लॉजिकल डिस्कशन करेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि अगर आप लॉजिकल करेंगे तो मेरे को आपको जस्टिफाई करने को जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप सही हो मैं ये खुद बोलूंगा। लेकिन जब इलॉजिकल बातें करेंगे तो फिर मतलब नहीं ना कि इस फिल्म को उसने तोड़ा उसने ऐसा है ना, सही नहीं है। तो कुल मिला के आप कितने खुश है, और यहां से जो लाइफ टाइम कलेक्शन जा सकता है हम बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट स्टिल इट लुक्स बिलो 30 करोड़ इन एवरी सिनेरियो। लेट्स सी कहां तक जाता है, हैप्पी क्या रहे। लेकिन महीने भर फिल्म चलेगी कहीं ना कहीं 30 तक पहुंचना चाहिए, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट विल क्रॉस 30, आसपास पहुंच जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आपका 8वें दिन का प्रेडिक्शन क्या है इस फिल्म का और फिल्म का टोटल फर्स्ट वीक के बाद कितना होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।